नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हमें कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड लेना है प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो रह के चल सकता है तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि सबसे पहला स्टॉक जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, वो है पी वी आर पी वी आर पे आप लोगों को बाय करने की सलाह दे रहा हूँ मैं आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक फॉल आया था फॉल आने के बाद ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के अंदर था आप देख सकते थे यहाँ पर रेजिस्टेंस थर्ड टाइम रेजिस्टेंस फोर्थ टाइम में ब्रेकआउट आया ब्रेकआउट आने के बाद एक बार रीटेस्ट आया एंड सेकेंड बार रीटेस्ट आया एंड थर्ड बार रीटेस्ट से हम एक मूवमेंट देख रहे हैं ठीक है थेके? तो आप देख सकते थे इसमें पर्टिकुलरली कैंडल्स एक पैटर्न को भी फॉर्म करा एक इंडिसाइसिव कैंडल उसके ऊपर एक ब्रेकआउट एंड होल्ड करा फिर एक स्टॉप मूवमेंट आई यहाँ पर हम लोगों ने एक बुलिश इनगल्फिंग देखा एंड इधर भी हम लोग देख रहे हैं कि दो दिन होल्ड करा इंडिसाइसिव कैंडल उसके बाद एक गैप अप के साथ ब्रेकआउट आया ठीक है ब्रेकआउट इन द सेंस एक अप मूव आई है तो ये पैटर्न को हम लोग मीडियम रिलायबल कह देते हैं ठीक है मीडियम रिलायबल पैटर्नस होते हैं ये पैटर्नस एंड ये टाइप के तो यहाँ पर हम लोग एक बाय के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं यहाँ पर एक बाय बना सकते हैं तो 1108 के ऊपर अगर ये मूव करता है पीवीआर तो हम लोग एक बाय के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं परफेक्ट लेवल की एंट्री और टारगेट और स्टॉप लॉस हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक हम लोगों ने नीचे आप लोगों को प्रोवाइड करवा रखा है आप डिस्क्रिप्शन पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट स्टॉक जो आता है वो आता है कोटक बैंक कोटक बैंक बाय करने की सलाह दी जाएगी आप लोगों को आप यहां पर देख सकते हैं कि एक शार्प मूव आई उसके बाद यहां पर कंटिन्यूसली इसने चार से पांच दिन हॉल्ट करा एंड हॉल्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि उस जो ब्रेकआउट कैंडल थी जो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी उसके ऊपर जाने की अभी कोशिश कर रहा है तो जैसे ही उसके ऊपर जाएगा 1586 के ऊपर 1586 के ऊपर ये जैसी जाएगा तो एक शार्प मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर भी तो जो भी लेवल्स और एंट्रीज होंगी हम आप लोगों को अपडेट कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू hmm. नेक्स्ट आता है स्कॉट्स स्कॉट्स बाय करने की सलाह दी जाएगी थोड़े टाइम पहले मैंने स्टॉक रिकमेंड करा था बट उसमें मूवमेंट नहीं आई थी तब बट अब हम लोग देख सकते हैं एक स्ट्रांग मूवमेंट फिर एक डाउनफॉल यहाँ पर मल्टीपल हॉल्ट करा मल्टीपल जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ इसका उसके बाद हम लोगों ने देखा यही लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस बनना शुरू हो गया एंड अब इसने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दिया ये चार्ट आपको थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत हो रही होगी आप देख सकते हैं एक शार्प मूवमेंट फॉल करा फॉल करने के बाद कम से कम सेवन टू एट ट्रेडिंग सेशंस तक यहीं पर ही होल्ट करते रहा तो ये लेवल इंपॉर्टेंट हो गया और वीक हो गया जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ हम लोगों ने एक शार्प मूवमेंट देखी ठीक है तो जो लेवल पहले सपोर्ट का, का काम कर रहा था उसी लेवल पे अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था बट अब रेजिस्टेंस के ऊपर जाके इसने ने क्लोजिंग दे दी है तो ट्वेल्व थर्टी टू के ऊपर अगेन निकलता है और होल्ड करता है तो यहाँ पर एक दोबारा मूवमेंट और एक रैली स्टार्ट हो सकती है ठीक है नेक्स्ट आता है अशोक लेलैंड अशोक लेलैंड पे भी मैं बाय करने की सलाह दूंगा फर्स्ट आप देख सकते हैं कि यहां से एक ब्रेकआउट दे चुका है ऑलरेडी एक अप अपमूव के बाद यहां पर एक कंटिन्यूसली हॉल्ट कर रहा है आप देख सकते हैं फ्लैग टाइप पैटर्न है तो ये जैसी ब्रेकआउट देगा 82 के ऊपर तो हम लोग एक शार्प मूवमेंट इसके अंदर भी देखने को मिल सकती है जो कि एट्टी फाइव तक भी लेकर जा सकता है तो इसको भी आप वॉच करके चल सकते हैं ठीक है आप लोग अपनी वॉच लिस्ट के अंदर से ऐड कर सकते हैं और लास्ट स्टॉक मेरा कल वाला स्टॉक ही होगा जिसने मूवमेंट नहीं दी है और प्रॉबेबली कल शायद दे सकता है ठीक है तो एक शार्प मूवमेंट एंड एक डबल बॉटम टाइप सिनेरियो था उसके बाद हम लोगों ने देखा इसके नीचे इसने कैंडल की क्लोजिंग दी अगर इसे नीचे गया था एग्जैक्ट बहुत ज़्यादा नीचे गया था ऑलमोस्ट थर्टी पॉइंट्स तक इसने फॉल दिया था हमारे टारगेट्स अचीव कर गए थे बट मैं और मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ तो आप इस पर लॉस लगा सकते हैं अपना ट्वेंटी टू फिफ्टी सेवन का स्टॉपलस लगा सकते हैं थ्री मिनट्स की कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज कर जाती है आप लोग वहाँ से एग्जिट कर लेगा बट मुझे लगता है कि इस पर एक डाउनफॉल कल भी अच्छा आ सकता है तो इसको भी हम सेल करके चल सकते हैं ठीक है तो ये पांच स्टॉक्स थे सेलिंग के लिए अगर हम बात करें निफ्टी की तो कल वैसे भी आप लोगों को पता है कि यूएस के इलेक्शन के पोल स्टार्ट हो रहे हैं रिजल्ट आने में थोड़ा सा डिले होगा जिस तरीके से लग रहा है कि रिजल्ट डिले आ सकते हैं इसका भी एक फ़ियर मार्केट के अंदर आ सकता है तो ये सारी चीज़ें अभी हमें समझनी है प्रॉब्बली uh, निफ्टी का चार्ट हमें देखना चाहिए सी एन एक्स एक सेकेंड बैंक निफ्टी वेट नो प्रॉब्लम हम लोग यहाँ से अपना निफ्टी बैंक को ऐड कर लेते हैं ठीक है या yeah. सो निफ्टी बैंक पे जिस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ निफ़्टी बैंक पे क्या अपॉर्चुनिटी चल रही थी मैंने आप लोगों को स्ट्रिक्टली कहा था कि इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे जैसी ये जाएगा तो हम लोग वहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं पंद्रह मिनट की डोक एंडल अगर बंद होती है या फिर इस रेंज के ऊपर अगर ये जाएगा तो हमारे लिए ये टारगेट्स हैं ये सार टारगेट्स हैं तो फर्स्ट टारगेट तो ऑलरेडी अचीव कर चुका और सेकेंड टारगेट भी अचीव कर लेता बट थोड़े पॉइंट से ये नहीं कर पाया एंड दोबारा इन दोनों टारगेट्स पे जो रेजिस्टेंस था उसके नीचे आ चुका है सो so, कल हमें वेट करना है अगर कल एक डिप मिलती है अगर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ से अगर एक डिप मिलती है और ये इस लेवल पे आता है और हॉल्ट करता है जो कि लेवल्स में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा और यहाँ से अगर हम लोग एक रिवर्सल कैंडल्स या कैंडल, कैंडल स्टिक पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग एक बाय के लिए अपॉर्चुनिटी लेकर चल सकते हैं बट अगर एक गैप अप आता है तो गैप अप पर हम लोगों को थोड़ा बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा ठीक है और अगर एक गैप डाउन आता है अगर ये इसके नीचे पंद्रह मिनट की दो कैंडल बंद हो जाती है तो हम लोग एक शॉर्ट के लिए भी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं बट इस स्ट्रॉन्ग मूवमेंट पे शॉर्ट के लिए सलाह आप लोगों को नहीं दी जाएगी बट अगर मैं कंपेयर करूं बैंक निफ्टी को निफ्टी से तो वो ज़्यादा वीक है बट जिस तरीके से हम लोग देख रहे थे कि निफ्टी ने 60 पॉइंट्स की मूवमेंट दी थी पर रिलायंस हम लोग देख रहे थे रिकवर नहीं कर रहा था हम लोग मारुति देख रहे थे रिकवर नहीं कर रहा था तो ये सारे स्टॉक्स रिकवर नहीं कर रहा था हम लोग देख रहे हैं कि कल यूएस का इलेक्शन का आउटकम है तो हम लोगों को लगता है कि मार्केट में हमें थोड़ा बहुत प्ले सेव करना है क्योंकि एक शार्प मूव आ रही है गैप डाउन्स ओपन हो रहे हैं और फिर वहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो ये सिनेरियो पे मार्केट पे ट्रेड करना है एज़ बिट रिस्की आप लोगों को यही सलाह दी जाएगी ये जो एक्सपायरी है जो अब एक्सपायरी आएगी तब तक सिर्फ मार्केट को वॉच करिए और स्टॉक्स को सेलेक्ट करके रखेगी कौन से स्टॉक्स पे आप लोगों को अपना बेट बना के रखना है इस एक्सपायरी के बाद हम लोग ट्रेड लेने के लिए सोच सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं तो इस एक्सपायरी तक मैंने भी कोई ट्रेड नहीं लिया और मैंने जो भी मेरे ट्रेड्स थे मैं एग्जिट कर रहा हूँ तो हम लोगों को अभी प्ले सेव करना है अभी कोई ट्रेड नहीं लेना इस एक्सपायरी तक अपने पास कैश रखिए इस एक्सपायरी के बाद जो वीकली एक्सपायरी है मैं मंथली एक्सपायरी नहीं कह रहा हूँ इस वीकली एक्सपायरी के बाद हम लोग डेफिनेटली ट्रेड करेंगे ठीक है अगर आप लोग ट्रेड कर भी रहे हैं तो मैं कहूँगा स्मॉल क्वान्टिटीज़ पर ट्रेड करिए और थोड़े थोड़े पॉइंट्स पर अपने प्रॉफिट को बुक करना स्टार्ट करिए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के साथ अगर आप प्रॉफिट बुक करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा मिलेगा और आपके लॉस होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे निफ्टी को मैं शॉर्ट करने की सलाह ही दूंगा निफ्टी बाय मेरे लिए नहीं है बिल्कुल भी बैंक निफ्टी और निफ्टी बिल्कुल अपोजिट हैं तो अभी हमें देखना है कि मार्केट का कल का सीनेरियो क्या हो सकता है उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे ठीक है तो आज की वीडियो पे इतना ही अगर आप लोग नए हैं और अगर आप लोग आप लोगों ने यूट्यूब को सब्सक्राइब कर नहीं करा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो गाइस सब्सक्राइब बटन को हिट करिए और साइड में आप लोग बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हैं प्लस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल एक दोबारा वीडियो पर साइनिंग ऑफ